press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। इंडिया में भी इमिग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से। एक महिला जिसका नाम है रिया बेर्डे है, वो बांग्लादेशी बेर्डे, उन्होंने अपना नाम फेक रखा हुआ है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स फेक निकले। ये हैं, ये पोर्न मूवीज में इंडिया में काम करती थी ये मैडम, कुछ इन्होंने अरबी में भी लिखा हुआ है अपने उसमें। इन्होंने एक तो ये पकड़ी गई, इन्होंने फेक पासपोर्ट तक बनवा लिया था और यहाँ पे लोगों से एक्सट्रॉशन भी कर रही थी, प्रोस्टिट्यूशन तो कर ही रही थी, एडल्ट एक्ट्रेस थी ही और एक्सट्रॉशन भी कर रही थी। एक इन्होंने एक आदमी को जेल भेज दिया था, ये रहा मेरे हाथ में उसका प्रूफ। इन्होंने एक आदमी को 5 महीने जेल लिखा, आई स्पेंड 5 months इन जेल बिकॉज ऑफ दिस गर्ल रिया बेर्डे। ये मिले थे दोनों कोविड के टाइम पे, दोनों की जान पहचान हुई और होने के बाद फाइनेंशियली उसको सपोर्ट किया, उसके बाद ये उसको धोखा देने लगी, दोनों रिलेशनशिप में आए, ये उसको धोखा देने लगी, वो जॉब के लिए राजस्थान चले गए। वो जनाब उनको इन्होंने फेक केस में, पैसे नहीं मिलने पर फेक केस में जेल भेज दिया। 5 महीने तक वो आदमी जेल में रहा और उसके बाद ये असलियत है, उस आदमी ने लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है और पुलिस कंप्लेंट भी की है इनके खिलाफ। ये कितना डेंजरस, यूरोप के लिए तो डेंजरस है, हमारे लिए भी डेंजरस है और हमें क्या करना चाहिए? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेशी मुसलमान, घुसपैठिया मुसलमान, आतंकी मुसलमान, जमात इस्लामी के मेंबर मुसलमानों के लिए हमारे पश्चिम बंगाल में भी रेड कार्पेट बिछाया जाता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो घुसपैठिया बांग्लादेशी मुस्लिम है, जो जमात इस्लामी के मेंबर है, और ये एक ऐसी मुसलमान है जो पॉर्न मूवीज बनाती है, ये एक ऐसी मुसलमान लड़की है जो अपने अपने सीने पर अरबी में कुछ लिखवा करके रखी है, ये एक ऐसी मुसलमान है जो एक्सटॉर्शन करती है, ये एक ऐसी मुसलमान लड़की है जो अपने जिस्म का धंधा करती है, और ऐसे ऐसी मुसलमान को हम ऐसे ऐसे मुसलमान लड़कियों को हमारे पश्चिम बंगाल में रख करके रेड कारपेट बिछाया जाता है और बड़े बड़े मौलवी मुल्ला इसको सेव करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन पहले फिजिकल टेस्ट के लिए और फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग के लिए बिहार से कुछ स्टूडेंट्स सिलीगुड़ी आए थे। मैं चाहती हूँ कि इसको पूरा पूरा लोगों को पता चले, बिहार से सिलीगुड़ी आए थे और सिलीगुड़ी आने के बाद, पश्चिम बंगाल आने के बाद वो लोग अपने फिटनेस फिजिकल फिटनेस का एग्जाम देने के लिए पूरी तैयारी करके रात में सो रहे थे कि सुबह जा करके देना है, और तृणमूल कांग्रेस के नेता ने जिस हिसाब से उनको डिफेम किया है, उनको फिजिकल और मेंटल असल्ट किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको बेइज्जत किया है, उनको गालियां परोसी हैं, उनको मारा है, पीटा है, ये जो दृश्य पूरे पूरे भारत और पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पर चला है, इससे ये साफ जाहिर हो चुका है कि हर राज्य में मुसलमानों का एक टीम है, टुकड़े टुकड़े गैंग का, जिनको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग आती है और वो लोग ऐसे ऐसे घुसपैठियों को घुसाते हैं और उनको पालते पोसते हैं, रोटी बोटी देते हैं, और जो हमारे भारत के नागरिक हैं, जो बिहार से बंगाल आ जाते हैं, जो बंगाल से महाराष्ट्र चले जाते हैं या उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, तो मैं मेरी जिंदगी में रोहित भाई, मैं दिल्ली में बहुत ज्यादा वक्त गुजारी हूँ, मुझे बहुत सम्मान मिला है, मुझे बहुत इज्जत मिली है, मैंने बॉम्बे महाराष्ट्र में बहुत वक्त गुजारा है, मुझे बहुत सम्मान मिला है, मुझे बहुत इज्जत मिली है, मैंने बिहार में थोड़ा बहुत वक्त गुजारा है और सम्मान ही मिला, इज्जत ही मिली, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब मैं तृणमूल कांग्रेस के मंच पर अपनी अपनी स्पीच को रखा करती थी तो हमेशा मुझे बेइज्जत किया जाता था। क्यों?
क्योंकि मुझे बंगला भाषा सही से उस वक्त नहीं आता था, तो मुझे हमेशा बेइज्जत किया जाता था। और आज भी मैं खुले खुले प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ कि आज भी तृणमूल कांग्रेस में आइदर आपको स्किन बिजनेस करना पड़ेगा बड़े नेताओं के साथ, नॉर आपको बंगाली प्रॉपर आपको बंगाली आनी होगी और बंगाल ट्रेडिशन आना होगा, अदरवाइज पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सरकार में आपकी कोई जगह नहीं बन सकती है, नॉट एट ऑल। और यही हुआ बिहार के उन दो बच्चों के साथ जो अपने अपने एग्जाम देने के लिए आए थे, उनको तृणमूल कांग्रेस के नेता ने जिस हिसाब से जलील किया है और क्या बोला है कि तू यहाँ आया कैसे, तुझे तो बंगला बोलना भी नहीं आता, तुझे तो बंगाल का कल्चर भी नहीं आता, तू हमारे हमारे धरती पे आकर के, तू हमारे बंगाल में आकर के तू यहाँ पर एग्जाम देने चला आया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और हमारी ममता बनर्जी साहिबा ने भी बोला है जरा बंगाली जाने ना ताकि हमें बंगाली थकते देवो ना ताकि हमें बंगाली मानबो ना, मतलब जो बंगाली नहीं बोलना जानता है उसको ना ही मैं बंगाली मानूंगी और ना ही बंगाल में रहने दूंगी, ये हमारी ममता बनर्जी साहिबा ने बोला था। और उसी उन्हीं के नेतृत्व में उन दो बिहार के बच्चों को जिस हिसाब से बेइज्जत किया गया है, मारा पीटा गया, और तृणमूल कांग्रेस के नेता ने मारा है, जो 48 घंटे से ये न्यूज पूरे के पूरे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर वायरल हो रही है। और मेरा सवाल ये होता है कि पश्चिम बंगाल में 18-19% बांग्लादेशी जमाते इस्लामी के घुसपैठिया बैठे हुए हैं, भैया आप ममता बनर्जी साहिबा उसके लिए तो रेड कार्ड पर बिछा रही है। बॉम्बे के थाने से अगर रिया पार्डे नाम की बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ी जा सकती है तो ममता बनर्जी क्यों नहीं पकड़ रही है बांग्लादेशियों को, क्योंकि अभी तो हालिया की बात है भाई, एक महीना पहले की बात है कि साउथ 24 परगना में सद्दाम सरदार के घर से उसके बेडरूम के बेड के नीचे से एक सुरंग पाया गया था पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में, और वो सुरंग डायरेक्ट बांग्लादेश पहुंचता था डायरेक्ट। आज जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां बांग्लादेशियों को चिन्हित कर करके उनको खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि भारत के नागरिक का हक है भारत में, बांग्लादेश के घुसपैठिया अगर यहाँ पर एंटर किए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ के कुछ मुसलमान हैं जो एंटर करवा रहे हैं, और यहाँ के कुछ मुसलमान हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से फंडिंग ले रहे हैं टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से भारत के सारे सुकून को खत्म करने के लिए। अब आप देखिए राजस्थान जयपुर में स्वामी जी ने कितना बड़ा रैकेट पकड़ा है, कितना बड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ, आप सिर्फ इसको सुनिएगा, लेकिन इसमें चू नहीं निकल रहा है ममता बनर्जी के मुंह से और राहुल गांधी के मुंह से, मुझे लगता है सबको देखना चाहिए। आज एसआईएम के कार्यालय में काफी समय से शिकायत थी कि डिप्टी आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेश का कोई भी ना होगा, आज आए तो पता चला यूपी बिहार और बंगाल और सूरत अहमदाबाद सबके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर 200 रुपए, 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 200 र
बिल्कुल सही। और इसमें हेल्प कौन करता है? ये मुसलमान का टुकड़े टुकड़े गैंग का टीम हेल्प करता है। अभी तो मैंने आपको एकदम लाइव दिखा दिया है। राइट, बिल्कुल सही।
और ये वीडियोस वायरल होते हैं और पता भी चलता है। थैंक्स अ लॉट नाजिया जी, बहुत बढ़िया एक्सपोजर दिया आपने, एक्सपोजर किया, और इसमें गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी ज्यादा बनती है कि वो जल्दी से जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि हो क्या रहा है और ये लोग आ कैसे रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत माता की। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा, हमेशा की तरह नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ मजहब के ठेकेदारों को बल्कि जो देश से गद्दारी करते हैं उनको भी एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।